नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक कुम्हार का काम होता है बर्तन को एक ऐसा आकार देना जो यकीनन दिल और दिमाग पर छा जाता है, और इसी की कारीगरी यहाँ से बरेली से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर सेथल में पुष्टों से करते चले आ रहे हैं। कम से कम 4 से 5 पीढ़ी हो चुकी लगातार इस काम में लगे हुए हैं, काम करते हुए हैं। तमाम जो है बर्तनों को मिट्टी के जरिए से पूरा आकार देते हैं और तमाम जगह ये बिकती है। लेकिन वक्त की गर्दिश कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसे हालात बदले, कहीं ना कहीं इस मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर भी असर हुआ। ये इस तरह से देखिए, आप देखें पूरा तैयार करते हैं, ये पूजा बना रहे हैं और पूरा आप देखें तमाम किस तरह से करते हैं। आप देखें कितनी मेहनत का काम है, कितनी मशक्कत का काम है, लेकिन किस खूबसूरती से ये करते हैं। आप देखें एक तैयार हो गया, लेकिन ज़रूरी यह है कि जितनी ये मेहनत करते हैं क्या उन्हें उतना फल मिल पाता है, ये बहुत अहम बात है। और वक्त ऐसा हुआ हो चुका है, वक्त बदल चुका है, अब इंसान चीनी के बर्तनों में, डिस्पोजल में और तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करता है, चाय पीता है, लेकिन कूजे की चाय का जो जायका है वो आज भी लाजवाब है, क्योंकि कूजे में एक अजीब सी खुशबू निकलती है, सोंधी सोंधी खुशबू बोलते हैं इधर यूपी में उसको, और इसी तरह के कूजे होते हैं तमाम जगह जाते हैं। ये आप और जो है थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, ये धार्मिक त्यौहार आजकल चल रहे हैं मुहर्रम और चेहलुम में, ख़ास तौर से शिया समुदाय में ख़ास तौर से इस्तेमाल की जाती है। ये छोटी छोटी दिए हैं, ये दिए हैं और दिए जब रोशन होते हैं तो जगमगाते हुए खास खूबसूरत नज़र आते हैं इस तरह से। और ये हम बचपन में जब हम बहुत छोटे थे सिक्के डालते थे और 1-2 रुपये 4 रुपये करके मेले में, जब यहाँ मेला लगता है तो उसमें हम उसको तोड़ने के बाद तमाम चीज़ें खरीदते थे, बहुत शौक हुआ करता था। ये इस तरह से आप देखें, ये भी छोटी छोटी अच्छी भी हैं, पूरा इंतज़ाम है, तमाम चीज़ें हैं। और इन बर्तनों को देख के हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है। ख़ासतौर से मैं इसका जिक्र ज़रूर करूँगा, आप देखें, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये एक इस तरह से इसमें छेद होता है, इसमें पैसे डालते हम और जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ आधुनिक दौर आ चुका है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल यकीनन कम हो गया है पूरा। और मैं दूर तक दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं जो गमले हैं जहाँ पर आप पेड़ जो हैं वो रखते हैं। हमारे साथ इससे जुड़े हुए कारीगर भी मौजूद हैं जो ये काम करते हैं और आज से नहीं सालों से करते आ रहे हैं। हमारे साथ एक जो ये बनाते हैं उनसे ही मैं पूछूंगा, इसके बाद मैं और भी लोगों से थोड़ा जानूंगा। ये बताइए करीब करीब कितने सालों से और कितने पुश्तों से आप ये काम करते हैं? ये काम को काफ़ी टाइम हो गया, कम 40-50 साल हो गया ये काम होते हुए क्षेत्र में। हाँ, पहले हमारे दादे परदादे करते थे, फिर पिताजी, अब वो उनकी डेड हो गई, अब हम करने लगे ये काम। अच्छा, ये बताएं अब वक्त के साथ साथ बदलाव आया है, जी अब काम पे कितना असर नज़र आता है? अब बहुत कम ये काम उठता है मिट्टी का, ना के बराबर बहुत, क्यों ये गिलास उलास प्लास्टिक के चलते बहुत, इससे भी बहुत बड़ी मतलब टेंशन पैदा हो रही है और मिट्टी भी नहीं मिल पाती है पहले वाली। जाते खेतों में लेने तो लड़ाई करते लोग, खोदने नहीं देते, ये हमारा खेत है क्या, ये हमारी तलैया है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अच्छा, ये जो मिट्टी लाते हैं आप, ये कैसी खासियत क्या होती है? ये चीका मिट्टी होती है। चीका मिट्टी? जी, चीका मिट्टी होती है। अच्छा, क्या खासियत होती है? ये एक डेरा निकलता है पूरा जब खोदते तलैया में जाते हैं, ये फ्रॉड वाली मिट्टी अलग होती है। तो तमाम चीज़ें मैं बताएँगे, यकीन में बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद मिट्टी लाते हैं, उसको बनाते हैं। एक बार हमारे साथ है जो अभी पूजा बना रहे थे, पूजा बोलते हैं यहाँ पर बरेली की जुबान में। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि दिवाली नजदीक, तो मैं कांता प्रसाद प्रजापति बोल रहा हूँ सर। आज तक जो भी हमारी पुश्तैनी है और पुश्तैनी काम चला आ रहा है सेतल के अंदर, वो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे लिए। और आज जो हमारी सरकार है उससे हमने कई बार गुजारिश की थी मिट्टी के लिए, ईंधन के लिए, मगर अभी तक कोई लाभ नहीं मिला हमारे लिए, और ना ही तो मिट्टी के माल में कोई माल मतलब लाभ मिल पा रहा है। उसी तरह रेडीमेड के डीले आ गए हैं, चाइना वाले डीले आ गए हैं, प्लास्टिक के हैं डीले, लोग गमले ले लेते हैं प्लास्टिक के, हमारा दिन का दिन काम सुनता जा रहा है। हमारे बाल बच्चे भी नहीं पल पा रहे हैं इस ज़माने में, पहले दादा परदादा ने पाल लिए थे, आज दिन हम तो मजदूरी को कराएं, ये काम पहुँचा चला जा रहा है। अच्छा, ये बताइए दिवाली के मौके पर, दिवाली के मौके पर आज भी दिए लेते हैं यहाँ, करीब कितनी बिक्री हो जाती है? ऐसी हो जाती है, पहले तो बहुत हो जाती थी, अब तो 10-12 हज़ार मुश्किल से हो जाते हैं। कोई 10 लेता है, कोई 11 लेता है, पहले 100-200 डीले जाते थे, ये अब तो एक घर में 11 या 10 डीले जाते हैं, लेता नहीं। तो तमाम चीज़ें बताई मैंने, और इनसे दिवाली के नज़दीक है, दिवाली बेहद नज़दीक है, दिवाली में खास तौर से ये जो दिए हैं ये बेहद खास जगमगाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इस पर बड़ा असर पड़ा है,
तमाम चीज़ें हैं और यकीनन हुकूमत का भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर तबके को देखे और लगातार देख भी रही है, लेकिन ये तबका ऐसा है जो मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, तमाम चीज़ें करता है, लेकिन फिलहाल तमाम हालात ऐसे हैं कहीं ना कहीं इस तबके पर बड़ा असर नज़र आ रहा है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ जज्बा डाली।